पूरे विश्व को कोरोना वायरस देने वाला देश और पूरे विश्व में सबसे पहले लॉकडाउन से जूझने वाला देश चाइना, जिसकी इकोनॉमी 6.8% से कॉन्ट्रेडिक्ट होना शुरू हो गई थी इस लॉकडाउन, इस कोरोना वायरस पेंडेमिक में, आज वही इकोनॉमी लॉकडाउन खुलने के बाद, फैक्ट्रीज, स्टोर्स, इंडस्ट्रीज रीओपन होने के बाद 3.2% से ग्रोथ कर रही है। आज की इन रिपोर्ट्स में चाइना की इस ग्रोथ का दावा किया गया है और साथ में ये भी बताया गया है कि 1990 के बाद अब तक की चाइना की ईयरली डोमेस्टिक ग्रोथ में सबसे कम ग्रोथ है। बट अगर हम देखें, पूरे विश्व को देखें, तो चाइना में लॉकडाउन के बावजूद भी 3.2% की ग्रोथ होना कोई मजाक की बात नहीं है।